चार महीने पहले अनाउंसमेंट हुआ है, एक MBBS एंट्रेंस एग्जाम, एक MBBS क्वालिफिकेशन एग्जाम और एक PG का एंट्रेंस एग्जाम, दोनों अलग होते हैं सर। तो अभी ये चालू करने का, ये कैसे रिजॉल्व करने का, अभी स्टूडेंट्स पे कितना स्ट्रेस है, इसका कोई सोल्यूशन हो सकता है? स्टूडेंट को स्ट्रेस देने की आवश्यकता नहीं है। मैं 19 बैच को नेक्स्ट में नहीं ला रहा हूँ, 20th बैच को नेक्स्ट में लाऊंगा, यानी कि ये साल में नेक्स्ट नहीं ले जाएगी। दूसरा, फाइनल एग्जाम को मैं नेक्स्ट के रूप में नहीं लूंगा, नीट एग्जाम को मैं नेक्स्ट के रूप में लूंगा। डिग्री दे दो, लेकिन डिग्री के बाद रजिस्ट्रेशन तब होगा जब आप नेक्स्ट पास करेंगे, यानी कि नेक्स्ट इक्वल टू नीट। ये दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। स्टूडेंट कोई टेस्ट ना ले, कोई ऐसा डिसीजन गवर्नमेंट नहीं करेगी, NMC नहीं करेगी कि जिसमें स्टूडेंट पे कंफ्यूजन रहे। थैंक यू सर।